नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियो चैनल में स्वागत है। आप सभी को मंगला गौरी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोग को मंगला गौरी व्रत 2023 कब कब पढ़ेंगे उसकी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और कथा सुनाने जा रही हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार 4 जुलाई से सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। सावन के महीने में भगवान शंकर की पूजा की जाती है। मंगलवार 4 जुलाई को सावन माह के पहले दिन पहला मंगला गौरी व्रत रखा जा चुका है। मंगला गौरी व्रत को कुंवारी कन्याएं और विवाहित महिलाएं दोनों ही करती हैं। इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और शीघ्र ही विवाह के योग बनते हैं। सावन मंगला गौरी व्रत 2023 लिस्ट। पहला मंगला गौरी व्रत 4 जुलाई, दूसरा मंगला गौरी व्रत 11 जुलाई, तीसरा मंगला गौरी व्रत 18 जुलाई, चौथा मंगला गौरी व्रत 25 जुलाई, पांचवा मंगला गौरी व्रत 1 अगस्त, छठा मंगला गौरी व्रत 8 अगस्त, सातवां मंगला गौरी व्रत 15 अगस्त, आठवां मंगला गौरी व्रत 22 अगस्त, नवा मंगला गौरी व्रत 29 अगस्त। अब मैं आप लोग को मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि बताने जा रही हूँ। मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद अपने घर के मंदिर को अच्छे से साफ कर लें और माँ पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा समर्पित करें। इसके बाद माँ पार्वती को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें, फिर आटे का दीपक बनाकर दिया जलाएं, साथ ही उनकी पूजा अर्चना विधि विधान के साथ करें। इस व्रत को सभी पूजन सामग्री रख लें। सभी पूजन सामग्री जैसे 16 की संख्या, जैसे पान, सुपारी, लौंग, इलायची, फल, पान, लड्डू, सुहाग की सामग्री और चूड़ियाँ, इसके अलावा 5 प्रकार के मेवे और 7 प्रकार का अन्न भी रखें। इसके बाद मंगला गौरी व्रत की कथा सुनें। पूजा के बाद घर परिवार के लोगों को प्रसाद दें और जरूरतमंद लोगों को धन अनाज का दान करें। इस दिन मंगला गौरी व्रत की कथा सुनना बहुत ही आवश्यक होता है। मंगला गौरी व्रत मंत्र। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके षण्येतं विघ्ने गौरी नारायणे नमस्तुते। अब मैं आपको मंगला गौरी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। पुरानी कथा के अनुसार एक नगर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत थी और उसके पास धन संपत्ति की भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहता था। लेकिन भगवान की कृपा के बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन उसकी अल्पायु थी। 16 वर्ष की आयु के बाद सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। संयोग से 16 वर्ष का पूरा होने से पहले ही उसकी शादी हो गई। जिस कन्या से उसका विवाह हुआ था उस कन्या की माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। माँ गौरी के व्रत के कारण उस महिला की कन्या को आशीर्वाद प्राप्त हुआ था कि वह कभी भी विधवा नहीं होगी। मान्यता है कि अपनी माता के इस आशीर्वाद से उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई और धर्मपाल के बेटे को 100 वर्ष की आयु प्राप्त हुई। इसलिए सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए मंगला गौरी व्रत करती हैं। हम सभी को मंगला गौरी व्रत करना चाहिए। आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।